क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे? सियासी दोस्ती अब माफी से ही चलेगी? माफी नहीं तो अयोध्या में एंट्री नहीं। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले ये माफी मांगे तब आओ। दो लाइन की तो बात है, कह दो कि जो गलती किया उसके लिए माफी मांगते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का आधार आजकल उत्तर प्रदेश में बस गया है, मतलब सियासी हवा बदलेगी महाराष्ट्र में और असर दिखेगा उत्तर प्रदेश तक, यूपी में भी, अयोध्या तक। राज ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति को एक नए स्तर पर ले जाकर अपनी सियासत को नई धार देना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने सबसे करीबी सियासी दोस्त ने बिल्कुल मौके पर एक पेच कस दिया है। बीजेपी ने कहा है राज ठाकरे पहले माफी मांगेंगे तब जाकर अयोध्या जा सकते हैं। बस आप एक बात जान लो, उनको घुसने नहीं दूंगा, वो एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा, लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा। और हम नहीं, उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए, इसके लिए पंजाब तैयार है, गुजरात तैयार है, दिल्ली तैयार है, हरियाणा तैयार है, झारखंड तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, बिहार तैयार है। जिन जिन लोगों को पीटने का काम इन्होंने किया सब तैयार है। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले ये माफी मांगे तब आओ। बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के साथ साथ साधु संतों की पूरी फौज राज ठाकरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अब तक जो जहर उगला है, लोगों के साथ मारपीट की है, उसके लिए पहले माफी मांगे, माफी मांगने के बाद ही उन्हें अयोध्या में एंट्री मिलेगी। हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं, और भगवान राम के वंशजों को भी को ही आप भैया कहोगे, भैया भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। जरा इस सबसे पीछे की कहानी को भी जानिए। राज ठाकरे को अभी बीजेपी की जरूरत है ताकि उनके राजनीतिक करियर को तेजी मिल सके। दूसरी तरफ बीजेपी को भी राज ठाकरे की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि शिवसेना वाली जगह को किसी भी तरह से महाराष्ट्र में भरा जा सके। साथ ही मराठा और हिंदुत्व का मेल एक साथ हो चलेगा तो उसे वोट में तब्दील होने में भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इन सारी बातों से पहले ही बड़ा अड़ंगा खड़ा हो गया है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तो ये तक कह दिया है कि भगवान राम उत्तर भारतीय थे और उन्हीं के वंशजों को राज ठाकरे ने पीटने का काम किया। पहले राम का वंशज हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ और तब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। देश पर जब जब भी संकट आया है हमने बढ़ करके उस संकट को झेला है। मैं अपने लोगों को आह्वान करता हूँ कि इसको उत्तर प्रदेश की धरती पर मत घुसने दो जब तक ये माफी न मांगे। बृजभूषण शरण सिंह ने जिस वक्त में ये कहा है उससे ठीक पहले राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की, और फिर ये भी कहा गया कि लाउडस्पीकर विवाद के बाद से बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ गई है। पता नहीं राज ठाकरे माफी मांगेंगे या नहीं, पता नहीं बीजेपी एक ही साथ मराठा और उत्तर भारतीयों को साध लेने वाली राजनीति में कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन इस सब के समानांतर ही शिवसेना भी एक अलग कोशिश में लगी है। शिवसेना का दावा है कि यह कोशिश भी अयोध्या जाकर ही पूरी होगी। पता नहीं सियासी जिद किसे फायदा पहुंचाएगा और किसे नुकसान, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अभी महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा चलता रहेगा।